हाय दोस्तों, वेलकम टू द टर्टल स्ट्रेटेजी। मैं हूं विशाल अग्रवाल। दोस्तों, आज हम देखने वाले कौन से पांच स्टॉक्स है जो मोस्ट ट्रस्टेबल है लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो के लिए। तो ये पार्ट वन है टॉप फाइव ट्रस्टेबल स्टॉक में से। मीन्स और भी स्टॉक्स है जो ट्रस्टेबल है, बट फर्स्ट टॉप फाइव ट्रस्टेबल स्टॉक्स में से आज हम देखेंगे कौन से है। सबसे पहला आता है HDFC बैंक। HDFC बैंक मुझे काफ़ी अच्छा लगता है और मैं इसको काफ़ी ट्रैक कर रहा हूँ। 10 साल से इसको ट्रैक कर रहा हूँ। जब जो टाइम पे इसका 400 का भाव था और वो टाइम पे ICICI काफ़ी वो टाइम पे हायर पे रहती थी। अब यही पोजीशन जो है अभी HDFC बैंक मेरा खुद का पुराना पोर्टफोलियो उसके अंदर से और अभी भी एड ऑन करते हुए मैं HDFC बैंक को स्ट्रॉन्ग रखता हूँ। मैंने बीच में एक वीडियो भी बनाया था HDFC बैंक में, जो ये इसका बिफोर इसका जो स्प्लिट होने से पहले मैंने एक रिकमेंड किया था जो करीबन 1800 पे बाई करने के लिए, जो और काफ़ी वो टाइम पे मोमेंटम आके 2400 तक गया था। और ये बात है करीब पिछले मंथ मार्च के टाइम की बात है, तो वो टाइम पे काफ़ी अच्छा एक बूस्टअप पे लाया था। अब यही चीज़ हम देखेंगे HDFC बैंक की खासियत में ये है, हर किसी को पता है फंडामेंटल के हिसाब से कि ये काफ़ी लार्जेस्ट बैंक आता है, काफ़ी स्ट्रांग है, होल्डिंग भी काफ़ी अच्छी है। दूसरी चीज़ मैं क्या देखता हूँ टेक्निकल में, अब माना ये HDFC बैंक है, ठीक है, बड़ा है, बट मैंने एक चीज़ और एक नोटिस ये किया है, जब जब ना निफ्टी मार्केट ऑफकोर्स ये मार्केट का काफ़ी होल्डिंग आता है तो ये रोल करेगा तो बाकी के स्टॉक्स मिलकर होल्ड करते तब जाके बाकी के मोमेंटम होते हैं। बट मैंने एक चीज़ नोटिस की, जब जब जैसे मार्केट मोमेंटम आया है तो एक ये न्यू पे हाई है, तो मेजोरिटी सब लोग मल्टी बैगर स्टॉक देखते हैं, फिर दूसरी चीज़ें पे फोकस करते हैं। तो मैं ये एक सलाह दूंगा कि कम रिटर्न्स मिलेगा बट लॉस होने के चांसेस कम है, तो इसमें लॉस होने में भी एक तरीका होता है कि आप एंट्री कहाँ ले रहे हो। अभी फॉर एग्जाम्पल HDFC बैंक में आपने एंट्री इधर ली, ठीक है, और मालूम पड़ा मार्केट थोड़ा ड्रिप आ गई। अब कैसे होता है, कोई भी स्टॉक ऊपर जाता है तो एक पुल बैक आता ही है उसके अंदर, व्हेनेवर द मार्केट मूव्स, तो एक स्टेप बाय स्टेप मोमेंटम होता है। तो हमेशा हमें यह ध्यान रखना है कि अगर कोई मार्केट ऊपर जाता है तो उसका एक थोड़ा बहुत 25 से 50% का ना नीचे या मैक्सिमम 25 से 30% का जो है नीचे पुल बैक आता है, उस हिसाब से हमें ध्यान रखना चाहिए। तो वो टाइम पे बाइंग पोजीशन है। अब मैंने जो रिसेंटली ये वीकली का चार्ट है, तो वीकली के चार्ट पे मैंने जैसे कहा ये सितंबर मींस अगस्त सितंबर के मंथ में इसमें काफ़ी एक बाइंग अपॉर्चुनिटी अच्छी लगी थी। तो आप देख रहे हो ये सपोर्ट रेजिस्टेंस पे भी था, सपोर्ट रेजिस्टेंस के बाद एक ये काफ़ी तो एक नॉर्मल बाइंग। अभी फॉर एग्जाम्पल किसी को एंट्री लेनी है तो अब जो एंट्री प्राइस है वो है 1150 से लेकर 1200 तक, जो एक नॉर्मल बाइंग रेंज है कि हाँ भाई ठीक है कर सकते हो। सबसे बढ़िया जो गुड बाय रेंज जो था वो ये वाला रेंज था, जो 1100 और 1150 के 50 के आसपास जो रेंज था वो एक अच्छा था। और सबसे बेस्ट प्राइस रेंज था जो मैं आपको बता रहा था अगर सितंबर में, जो इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी अच्छी थी वो थी 1070 से लेके 1100। सो ये तीन जो लेवल्स के हिसाब से, तो अभी जो अभी मार्केट सस्टेन कर रहा है वो ये वाला मार्केट सस्टेन कर रहा है 1150 से 1200, तो आप इसमें बाय कर सकते हो। पर ये पर्टिकुलर स्टॉक नेगेटिव कब होएगा, अगर ये जैसी ही 160 के नीचे सस्टेन करेगा तो ये थोड़ा नेगेटिव ट्रेंड आएगा, जिसको फिर एक थोड़ा फॉल आएगा, जो फॉल आएगा तो कितना आएगा 940 या मैक्सिमम 900 तक जाएगा, ठीक है, जो करीबन मैं अंदाजा लगाऊं तो 10 से 20% अगर आया तो फॉल, और वो भी आएगा कभी अगर 1060 के नीचे सस्टेन किया। तो मैंने यही अंदाजे से यही सपोर्ट लेवल पे मैंने बाय किया था अगस्त से सितंबर मंथ में, जो रेंज काफ़ी बेस्ट रेंज के हिसाब से मेरे इसमें था। अब जो गुड बाय जो उसके बाद का भी जो रेंज था, तो मैंने कुछ लोगों को रिकमेंड भी किया था जो स्टार्टिंग अक्टूबर मंथ में ही, कि अगर ये लेवल पे आए तो आप बाय कर सकते हो, और उन्होंने अपॉर्चुनिटी लेने के बाद भी अच्छा सा उन्होंने प्रॉफिट हुआ। तो एक दूसरी ये चीज़ थी, अब जो मार्केट में अगर आपको एंट्री लेनी है तो आपके लिए बाइंग रेंज ये बनती है, और जो इसका रिस्क रिवार्ड तो खैर बड़ा ही है, तो आप ये दो लेवल को देख सकते हो और अपने हिसाब से आप डिसीजन ले सकते हो। बट ये अच्छा स्टॉक है,
कोई धोखा देने वाला स्टॉक नहीं बनता है, ये पहला आता है। सेकंड आता है एचडीएफसी होम लोन। एचडीएफसी होम लोन्स पे अगर हम देखेंगे तो जैसे जैसे हमारा बैंक्स के साथ साथ बायोकोर्स ये भी न्यू आया है, तो आप देखोगे कितने, ये भी वीकली टाइम फ्रेम है, जब से हुआ है ये एक नया वीकली हाई, नया एवरी टाइम हाई पे हाई, हाई पे हाई इसने देते जा रहा था जितना भी हमने देखा है। प्लस सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अब जो ये लेवल सस्टेन कर रहा है, सपोर्ट लेवल पे सस्टेन कर रहा है, तो एक ये काफी एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बन रही है। तो इसका जो नॉर्मल प्राइस रेंज है वो 2000 से 250 था, अब जो गुड जो हमारा प्राइस रेंज है 2000 है, तो ये 1950 जो ये 1950 से लेके 2000 जो रेंज है ये परफेक्ट अच्छा बाइंग रेंज है। जो आप पोजिशनल लॉन्ग टर्म के लिए ये लेवल पे एड ऑन अपना पोर्टफोलियो में एड ऑन कर सकते हो। दूसरी चीज, अगर ये फॉल आता है, फॉर एग्जाम्पल ब्रेक हो गया, ठीक है, तो जैसे ही ये ब्रेक होएगा तो 19, अभी ये इसके भी लेवल्स है, इसमें भी हर्डल्स है, दो से तीन हर्डल्स है। पहला हर्डल से इसका 1900 की, देन नेक्स्ट हर्डल से, तो मैक्सिमम अगर फॉल आया तो इसका 1800 तक इसका मैक्सिमम फॉल आ सकता है। कि अगर नीचे देखेंगे तो बाइंग रेंज पे, तो अगर आपको लगता है कि भाई ठीक है अभी रिस्क है और गिर सकता है, तो आप 1800 के लेवल से भी देख सकते हो, बट मेरे हिसाब से ये अच्छा लेवल है और यहाँ पे पोर्टफोलियो एड ऑन करने का। तो ये है दूसरा हमारा था HDFC का। तीसरा है कोटक बैंक। कोटक बैंक भी काफी टाइम से एक अच्छे कंसिस्टेंटली प्रॉफिट पे दे जा रहा है और अच्छा ग्रोथ रिटर्न्स पे ये कंटिन्यूसली मोमेंटेबल में है। तो सेम वाइस वर्सा इसमें भी एक वही था कि जो कमिंग, जो अभी करेंटली जो बूस्ट हुआ था इसके अंदर, तो ये पर्सपेक्टिव से बूस्ट हुआ था कि सारे के सारे जो थे अच्छे अच्छे स्टॉक्स सपोर्ट पे सस्टेन कर रहे थे और जिन जिन्होंने बाई किया उनको एक काफी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली। अगर आप देखोगे मैंने कोटक बैंक का इसका एक बाय अक्टूबर के मंथ में ही मैंने एक बाय रिकमेंडेशन भी दिया था, जो काफी एक अच्छा जो विद इन अ डे 14-18% का इसने रिटर्न्स में अच्छा मोमेंटम में आया था। तो ये तो कोटक बैंक का जो मैं कह रहा हूँ एक सपोर्टिंग में था। तो सितंबर के मंथ में अगर हम देखेंगे अगेन, तो जो बेस्ट प्राइस रेंज था 1400 से 1415, तो वो बेस्ट प्राइस रेंज था। जो नेक्स्ट है जो 1500 से 1530 का इस पे सस्टेनेबल पे था। अब जो करेंटली मार्केट सस्टेन कर रहा है वो नॉर्मल रेंज पे कर रहा है, तो अगर आप बाय करना चाहो तो कर सकते हो, तो ऐसा कोई रिस्क नहीं है, आपको रिटर्न्स देगा। हाँ, जो बेस्ट प्राइस रेंज था वो तो अभी जब आएगा तब आप देख सकते हो, और अनलेस एंड अंटिल ये दो रेंज पे भी आता है तो आप देख सकते हो अपना डिसीजन के हिसाब से। तो कोटक बैंक भी काफी एक स्ट्रॉन्ग अच्छा बैंक है, और फर्स्ट ऑफ ऑल ये सेकंड लार्जेस्ट बैंक में से आता है बैंकिंग सेक्टर में अपने। तो ये था तीसरा स्टॉक। फोर्थ स्टॉक है ICICI बैंक। ICICI बैंक भी सेम वाइस वर्सा अभी स्लोली अभी जिस हिसाब से पिछले मुकाबले में था, ICICI बैंक अभी स्लोली स्टेबल और स्ट्रांग होती जा रही है। और ICICI बैंक के हिसाब से अगर हम देखेंगे कि इसमें भी सपोर्ट लेवल पे ना इसने सस्टेन किया था, सस्टेन होने के बाद एक बूस्ट दिया और ट्रेंड ब्रेकआउट भी दिया, हो सकता है या पॉसिबल भी नीचे भी आ सकता है। तो पर इसका जो रेंज है अभी, ये जो लेवल रेंज था जो मैंने बेस्ट प्राइस रेंज लिखा है यहाँ पे 390 से लेके 400, एक ही अच्छा बेस्ट प्राइस रेंज है जो बाइंग अपॉर्चुनिटी के लिए थी। तो अभी तो टाइम निकल चुका, बट जब 390 से इससे सीधा सस्टेन होके 440, तो एक अच्छा एक पुल बैक इससे शॉर्ट टर्म वालों के लिए काफी अच्छा अपॉर्चुनिटी गेन हो चुका। दूसरा था गुड, जो गुड रेंज था वो था 420 से लेके 430 तक। तो अभी जो मार्केट सस्टेन कर रहा है वो 420 से 430, तो एक ये रेंज पे भी आप बाय कर सकते हो जो काफी अच्छा है। और नॉर्मल जो रेंज था 430 से 440, तो अब जो रेंज मार्केट ICICI बैंक जो सस्टेन कर रहा है वो है 420 से लेके 430 के रेंज में सस्टेन कर रहा है। तो इसका जो रिस्क है, तो अगर ये 380 के नीचे सस्टेन करना शुरू करेगा तो ये पर्टिकुलर स्टॉक डाउन ट्रेंड में जा सकता है और फॉल एक्सपेक्टेड आ सकता है वो टाइम पे 330 में। तो ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। तो मेरा जो मैंने इसको बाय किया हूँ 395 से, तो मेरा जो रिस्क रिवार्ड है वो 380 का मैंने रखा हूँ, कि अगर कल जाके 380 के नीचे सस्टेन हो रहा है मार्केट फॉर एग्जाम्पल, तो वो टाइम
वो टाइम पे मैं ये पोजीशन से एग्जिट कर लूंगा और फिर जब एंट्री लूंगा तो ये वाले नीचे के, तो मैं उसको एड ऑन नहीं करता रहूंगा क्योंकि मेरा जो इन्वेस्टमेंट है वो भी स्टफ हो जाएगा। तो बेटर है कि मैं स्लो प्रॉफिट से, तो मेजोरिटी मेरा ट्रेडिंग स्टाइल कैसा है, मैं शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों के हिसाब से ट्रेडिंग करता हूँ। तो मेरा एक पार्ट इन्वेस्टमेंट मेरा शॉर्ट टर्म में होता है, एक पार्ट इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म में होता है। फॉर एग्जाम्पल इन केस मेरा लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट का स्टॉप लॉस जाता है तो मेरे को कोई डर नहीं लगता है, क्यों? क्योंकि मेरा जो शॉर्ट टर्म का था उसका जो मेरा लॉन्ग टर्म का स्टॉप लॉस है वो मेरा शॉर्ट टर्म के प्रॉफिट में कवर हो जाता है। तो ये है, अभी जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने बताया आपको, मैंने 395 पे किया था, तो मैंने ये करंट जो लेवल था यहाँ पे 440 पे, मैंने यहाँ पे मेरा जो शॉर्ट टर्म का था वो मैं बुक कर चुका हूँ और अभी जो है करेंटली लॉन्ग टर्म के हिसाब से होल्डिंग है। तो एक आईसीआई बैंक फोर्थ स्टॉक है जो काफी एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव है और मोस्ट वन ऑफ द मोस्ट ट्रस्टेबल स्टॉक इज ऑल्सो देयर। नेक्स्ट इज एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक का भी सेम सिनेरियो है, अगर आप देखोगे सारे सॉरी एक्सिस बैंक का चार्ट मैंने एड ऑन नहीं किया है तो मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ एक्सिस बैंक का। ये देखिए एक्सिस बैंक जो है करेंटली हमारे सस्टेनेबल पॉइंट पे है और प्राइस रेंज भी काफी अच्छी है इसकी, तो हम इसको भी बाय कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हो वीकली का टाइम फ्रेम है, वीकली के टाइम फ्रेम के हिसाब से इसने इन्वर्टेड हैमर भी बनाया है और सपोर्ट पे भी है। तो अगर ये कल जाके फॉर एग्जांपल 640 के नीचे सस्टेन करता है तो थोड़ा एक इसके लिए हमारे ड्रॉबैक हो सकता है, बट अनलेस एंड अनटिल मुझे एक काफी एक यहाँ पे सपोर्ट रेंज जो है वो एक अच्छी सपोर्ट रेंज है और इसका जो बाइंग रेंज है, तो पहला जो बाइंग रेंज इसमें जो मैं कर चुका हूँ जो है 650 के हिसाब से, तो 650 से लेके 670 इज अ बेस्ट प्राइस रेंज टू बाय इट। देन नॉर्मल जो है गुड जो नॉर्मल आता है, तो फॉर एग्जांपल अगर आपको बाय करना है तो जो गुड रेंज है वो है 700 से लेके 710, एंड देन नॉर्मल रेंज आता है 740 से लेके 750 तक। बट उसके पहले अब जो मार्केट सस्टेन कर रहा है वो है हमारे बेस्ट प्राइस रेंज में, तो ये यहाँ पे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बन सकती है आपको बाइंग के लिए। और बट ये ध्यान हमें ये रखना है, जो अभी जैसा मेरा 650 से बाय हो चुका है और अगर ये जैसी 640 के नीचे सस्टेन करना शुरू करेगा तो ये मैं इसको पर्टिकुलर स्टॉक को एग्जिट करूंगा। और इंट्राडे बेसिस के लिए अगर मेरे को या शॉर्ट टर्म के लिए बेसिस में मुझे सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिली तो वो टाइम पे मैं उसको एड ऑन करूंगा। तो दोस्तों इस तरह से थे हमारे फाइव टॉप फाइव ट्रस्टेबल स्टॉक्स जो हमारे लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो के लिए काफी अच्छा है। सो दोस्तों नेक्स्ट पार्ट के लिए आप बने रहिए, कंटिन्यू रखिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाले अपडेट्स मिलते जाए। और दोस्तों अगर आपको सीखना है, देखिए कैसा फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों आपको एक साथ लेके चलना पड़ता है, क्योंकि नो डाउट कहाँ किधर कैसे हेल्प हो जाए वो हमारे लिए प्लस पॉइंट है। तो उसी तरह से टेक्निकल फंडामेंटल किस तरह से इन्वॉल्वमेंट आता है, बेसिकली मैं फोकस मेरा पूरा टेक्निकल्स में रहता है बट साथ ही साथ मैं फंडामेंटल्स को भी ध्यान में रखता हूँ क्योंकि वो भी एक प्लस पॉइंट होता है, हमें सिर्फ एक पॉजिटिव न्यूज के लिए हिसाब से इम्पोर्टेंस रहता है, तो उस हिसाब से वो ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों इस तरह से थे हमारे टॉप फाइव ट्रस्टेबल स्टॉक्स जो लॉन्ग टर्म के लिए थे। बेस्ट ऑफ लक, हैप्पी ट्रेडिंग डे।